अच्छा, अब हमने क्या करना है घर में आसानी से, अगर सरसों का तेल है ठीक है, अगर नहीं है कोई मसला नहीं, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हो, ठीक है। आपने एक प्याला कुकिंग ऑयल लिया और मैंने इसको गरम किया, ठीक है, गरम हो गया। जैसे ही ये गरम हो जाए तो आपने इसमें चीजें डालना शुरू कर देना, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो मैं डालूंगी वो घर का नमक है, घर का नमक, नमक नमक जो नमक हम आम खानों में, आम जो भी आप खाते हैं, आपने 1/4 टीस्पून डाला और इसको थोड़ा सा चला लें, ठीक है। ठीक है, अभी लौंग नहीं डाली ना? नहीं, नमक डाला, नमक को आपने डिसॉल्व करने की कोशिश की। नमक कभी भी तेल में मिलता नहीं है लेकिन ये इसकी सारी तासीर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लौंग लेंगे 8 से 10 आपने लौंग लिया, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया और आपने अजवाइन 1 चम्मच लिया। आपके दर्द का तेल तैयार हो गया जो आपको बारिश की वजह से हुआ है, ठीक है। बस इसको आपने हटा लेना, वही देखिए, हाँ बस हो गया, इन्फ्यूजन हो गई। अब इसको आपने हटा लेना है। यहाँ मैं मिट्टी के बर्तन में डाल रही हूँ, आप किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका तेल तैयार है दर्दों का, इसको आपने छानना नहीं है, सारी चीजें इसमें रहने देना। अच्छा, ठीक है, लगाते हुए आप थोड़ा सा मतलब कि आप लगाते हुए थोड़ा सा लेकर, आप इसको जहां आपको दर्द हो रहा है वहां पे आप इसकी मसाज करें, और आप यकीन करें जैसे इसकी मसाज करेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर, अगर वो दर्द इसलिए है कि आपके मसल्स पुल हो गए हैं, आपकी हड्डियों में शदीद दर्द हो रहा है, ठंड बैठने की वजह से दर्द हो रहा है, तो ये तेल आपकी यकीनी मदद करेगा। कुकिंग ऑयल लिया आपने सबसे पहले, बिल्कुल, उसके अंदर आपने डाला नमक जो घर में इस्तेमाल, जी बिल्कुल, नमक, फिर आपने इसमें डाला दालचीनी, लौंग 8 से 10 लौंग डाल दिए, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया, 1 चम्मच अजवाइन डाल दिया। बस इसके जितने वॉलेटाइल ऑयल है ना इसमें इन्फ्यूज हो जाना। कितनी देर तक आपने इसको पकाया? बिल्कुल नहीं पकाया, आपके सामने जैसे गरम किया, जैसे जैसे तड़का लगने के लिए लौंग फूलने लगी तो जैसे एकदम से तड़के का वो आया, आपने उतार दिया। जैसे लाइक मेरे हाथों में ना अभी भी दर्द है तो अगर मैं इसको लगा लूं अपने हाथ पे, हाँ, तो ये सुकून आ जाएगा मुझे हड्डी, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। इस तरह जैसे अक्सर होता है ना, खास तौर पे पिंडलियों में दर्द, हाथों में दर्द, सर में दर्द, सर्वाइकल, जी बिल्कुल, सर्वाइकल, हाँ बिल्कुल, पूरे बॉडी में आप हर जगह लगा सकते हैं, सिर्फ इस एरिया को बचाते हुए, ये एरिया आप नहीं लगा सकते। बारिश में नहाने से दर्द नहीं हुए, बारिश में डूबने से और घर में जो पानी भर गया उसको निकालने से दर्द हुए, बहुत पूरी एक्सरसाइज हुई है, कितना काम, इतने लोग हैं जिनके घरों में पानी भरा है, निकाला है फिर आ गया, निकाला फिर आ गया।